सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो वीडियो बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूं, गया हुआ था घर और मेरा फ़ोन सही है नहीं, इसलिए वीडियो उसे शूट कर नहीं रहा। तो घर गया था, भैया का एंगेजमेंट था, वो सब हो गया। कल आया हूं लेकिन इतना थक गया था रात भर का ट्रैवल करके, फिर सो गया, फिर शाम को टाइम ही नहीं मिला, हम लोग इधर उधर घूमने चले गए। तो आज से ब्लॉग आएगा चैनल पर, और मैंने पहले भी कहा था अब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्या करूँ घर चला गया था बीच में, तो अब से ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और ये देखियो यहाँ जा रही है ट्रेन, ट्रेन गई ख़त्म। और ये अपनी वही यूनिवर्सिटी कैंपस अपना। तो आज का पूरा दिन आपको हम लोग दिखाएंगे। और ये अविनाश, इनको अब व्लॉग में लेना ज़रूरी है, इनकी भी मांग हो रही है अब। और ये नया लिखना शुरू किया, हाँ ये नया है, अभी दो लाइनें आई हैं, नए के आने से फ़र्क पड़ता है, क्या पता था मुझे। हमारे प्रभात भाई दिन भर गेम में लगे रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लॉस्ट। और क्या कह रहे थे, क्या कह रहा था भाई कि अरे मेरे इसकी वीडियो बना लिया करो यार, इतना अच्छा खेलता मैं। अब भाई बनाओ, अब मैं बनाओ, अब फिर बनाओ। से बोलता हूँ ये फिर से लॉस्ट लिख के आएगा अभी। ठीक है चलो ठीक, 17 सेकंड है, स्टार्ट जान दो फिर बताते हैं। हाँ 17 सेकंड है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी राउंड। ये तो भगवान से कह रहा है लॉस्ट नहीं आना चाहिए। ओ भाई खेलते हैं ये, अरे भाई मार दिया पहला मार दिया, जाने वाला ही है, बस हो गया। ओह ओह भाई लॉस्ट। ये आप लोग फिर से देख सकते हैं प्रभात तिवारी हमारे बोतल खोलने में माहिर है। जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं गेट, आकाश घर जा रहा था तो मड़ी जी को देखने को मन कर रहा था आकाश का, मड़ी जी को देखा नहीं था तो मड़ी जी को फिर से बुलाया है गेट। और हम और मड़ी जी जा रहे हैं, आकाश को अपना चेहरा दिखाने जा रहे हैं मड़ी जी। तो आप लोग भी मड़ी जी का चेहरा देख सकते हैं। मड़ी जी थोड़ा धीरे चलिए, देखिए आकाश ठाकुर इनको बुलाए हैं सामने ही तो खड़े। गेट यहीं से खुलवा रहे हैं हमारे, खड़ी है उतनी दूर और मड़ी जी यहीं से गेट खुलवा रहे हैं आकाश ठाकुर से। तो आपको दिखा, यहीं से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि गाड़ी किनारे कर लो, मतलब उनको बताना चाह रहे हैं कि हम मैं आ गया हूँ, पीछे ही हूँ। तो गेट पे पहुँच गए हम लोग, ये रही गाड़ी, अरे अपने मड़ी जी। बिस्किट लाए, गरम कितनी है बात। मनी मनी कुछ कह रहे हैं आकाश ठाकुर मड़ी जी से। क्या बिस्किट मत लाना, हाँ। वो बीच वाला डार्क ग्रीन का एक वो है, चिप्स को लेना। तो अभी लड़कियों वाले चिप्स की फरमाइश हो चुकी है। अरे मड़ी दी गए चिप्स लाने, यार गलती हो गई पता, रात में हम 100 रुपए के बिस्किट लाए थे, 100 रुपए के बिस्किट लाए थे, भूल गए इसकी मड़िया चक्कर। कहाँ था बिस्किट, कहाँ था? अरे लेकर आए थे गेट से, नहीं लेके गए थे वो 95 रुपए, वो सब पता ही नहीं था लेकर। मतलब मड़ी जी 95 रुपए की बिस्किट दबा गए हैं और खा गए हैं। जा चुका है, हम लोग आए थे रमैया पे चाय पीने, तो अभी चाय पी ली है, अब हम लोग जाएंगे हॉस्टल अपने और सो जाएंगे। और यहाँ पे अविनाश भाई के दिल का दर्द बयां हो रहा है, आप देख सकते हैं सब लोग स्नैप बना रहे हैं। था ये फैली बातें शहर में, झूठा शोर मचाया जा रहा है पहले की तरह, पहुंचे सारे रकीब उसके घर, नहीं मुझको बुलाया जा रहा है पहले की तरह, आ रहे हैं सभी अपने हाथों में शराब लिए, क्या महफिल जमाया जा रहा है पहले की तरह। उसकी सज रही है डोली किसी और के नाम की, उसकी सज रही है डोली किसी और के नाम की, मेरा जनाजा सजाया जा रहा है पहले की तरह। वाह 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 भाई भाई। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30, रात कहें सुबह कहें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अब 12 बजे के बाद तो अगला दिन हो जाता है, तो सुबह भी कह सकते हैं।
तो हमारे लिए रात है क्योंकि अभी हम सोए नहीं थे, जगह जगह आ चुके हैं। यहाँ पे 11 बजे आए थे और अभी तक बैठे ही हुए हैं। बात ये थी कि हमारे अविनाश भाई को बहुत तगड़ी तलब लगी थी चाय की, तो मैं और अविनाश आए, अनिवेश भाई आए नहीं है क्योंकि आजकल उनको कार पर घूमने का शौक़ है, ई रिक्शा वगैरह से आते नहीं हैं। देख अविनाश भाई को देखिए, एकदम पूरा फिनिश कर चुके हैं। देखिए आए थे चाय पीने, भूख लग गई, कहाँ मिली है। चलिए कोई नहीं, पैसा है आपके पास, कुछ भी कर सकते हैं। अरे देखिए इधर चाय कह रहे हो सर। और ये देखिए फील लेने के लिए थोड़ा सा बॉक्स भी रखा गया है जिसमें गाना बज रहा है हल्के हल्के साउंड में, और ये उजाली रात, डीम्ड म्यूजिक और चाय, क्या ही अलग कॉम्बिनेशन है। हम तुमको बात बताएं, रियलिटी लाइफ की ना इंजॉय कर रहे हैं यार। देखो हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल में पड़े रहेंगे कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा निकलो बाहर घूमो, क्योंकि ये जिंदगी वापस नहीं मिलने वाली। एक बार अपना कोर्स खत्म हो गया ना, फिर नौकरी पे लग जाएंगे, क्या दिक्कत, कुछ नहीं। अभी भाई दोस्त शान जैसे दोस्त फिर वापस नहीं मिलने वाले। अब चलिए, ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, तो यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आपको अगले में मिलते हैं। बैटरी भी बस 1% बची है बैटरी, तो जल्दी से ब्लॉग को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, सब बखैर।